everyone, welcome to the new video. For this video, I have decided that I would follow Mark Wahlberg's insane routine. By insane, I actually mean insane. क्योंकि ये रूटीन ऐसा रूटीन है जो इंसान तो नहीं फॉलो करते. एंड ऑल्सो टुडे इज अ ग्रेट डे टू चूज टू फॉलो दिस रूटीन बिकॉज टुडे आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. मैं इतनी पता नहीं मैं हमेशा थकी थकी क्यों रहती हूँ बट आज मैं कुछ ज़्यादा ही थकी. जो पहली चीज दैट इज प्रिटी अनगॉडली दैट इज प्रिटी अनऑर्थोडॉक्स वो ये है कि मार्क वॉलबर्ग वेक्स अप एट 2:30 AM in the morning. What? Which is not something जो मैंने कभी भी सुना है. 4:30 एक threshold है जिसको कोई भी महान इंसान पार नहीं कर पाया है लेकिन मार्क वॉलबर्ग जी ने वो पार कर लिया है. तो इसीलिए आई एम गोइंग टू वेक अप एट 2:30 एंड आई एम वेरी स्लीपी लाइक आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एट 7:15 राइट नाउ. मैं कभी भी लाइफ में 2:30 पे नहीं उठी हूँ. मैं 2:30 पे सोई जरूर हूँ. इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग बट आई एम एक्साइटेड. तो इसीलिए शुरू करते हैं. नहीं नहीं तो चलो तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अलार्म लगाते हैं. आई एम 2:30. मेरी घड़ी को भी आदत नहीं होगी 2:30 पर लगने की. 7 hours 16 minutes काफ़ी है. ऑल्सो आई हैव अ स्क्रीन शॉट ऑफ हिज रूटीन इन केस आई नीड टू रेफर एनी थिंग. एंड इट इज ब्रेकफास्ट टाइम. मैं कभी भी अपना ब्रेकफास्ट इतना जल्दी नहीं करती हूँ बट स्टिल टुडे आई एम गोइंग टू हैव इट. आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या करूँ एंड द फैक्ट कि कल मैं 7:30 बजे सो गई थी मेक्स इट अ लिटिल ईजी बट इट इज नॉट दैट ईजी. डिफाइन ग्रेविटी होम मेड पीनट बटर इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी इन अनदर वीडियो. और कोको पाउडर की जगह हम डालेंगे कॉफी बिकॉज आई नीड टू वेक अप. इट इज वे टू मच. शायद मैंने ज्यादा डाल दी. ओह नो मैंने ज्यादा डाल दी. इट टेस्ट अ लिटिल बिट वियर्ड बट इसका टेस्ट सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है. मुझे काफी अच्छी लग रही है पीनट बटर की वजह से. कभी ज्यादा ठंडा खा जाते हो दिमाग में एकदम फ्रीज रहती है ना. क्या बोलते हैं उसे कोल्ड फ्रीज या ऐसा कोल्ड फ्रीज नहीं कोल्ड फ्रीज नहीं कुछ और बोलते हैं माइंड फ्रीज ब्रेन फ्रीज वो हो गई है. आई सडनली हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कॉफी. सिंस सब सो रहे हैं थोड़ा धीरे होना पड़ेगा बट आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. आई हैव डिसाइडेड कि 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू डू अ ओह गॉड यार काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया ये. ऐसा करते हैं कोई भी वर्कआउट देखते हैं इंटरनेट पे 30 मिनट्स का. वी विल गो रनिंग. वो जो 4 किलोमीटर का लैप था वो करेंगे. उसके बाद वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ स्किपिंग. आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फैंसी इक्विपमेंट्स एज लीडर्स और मैंने अभी जो जिम की मेंबरशिप है उसके पैसे भी जमा नहीं कराए. Let's go. Oh God, you look so delicious in that long dress. Oh God, you save me from the past I left. You save me from that. You save me from no more happiness. You say you're saving. You say, I could never forget the smile you left on my. My codeine, the empress of my kingdom come. So please don't go, please don't go. Mark G, uncle, क्या बोलूँ मैं उनको? Respect के तौर पर. He, तो he does a
1.5 hour workout approximately. जो आई एम नॉट डूइंग इट हाई इंटेंसिटी बट फिर भी आई एम स्वेटिंग. ट्रस्ट मी माई स्टमक इज फुल ऑफ स्वेट. अब ये कुत्तों को हल्का सा डर है बट आई डू नॉट केयर क्योंकि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं. हाथियों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए है ना. आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ हाथी. गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग कर लिया अंकल थोड़ी सी करी आज. आई एम नॉट एबल टू वर्कआउट विद दैट मच एनर्जी क्योंकि मेरे अंदर स्मूदी मेरे पेट के अंदर तैर रही है. आई एम फीलिंग अ लिटिल हैवी. कोई बात नहीं. वर्कआउट मीन्स वर्कआउट. आई कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेज. आई कैन नॉट बी अ लूजर. मार्क वॉलबर्ग विल नॉट मेक दोज एक्सक्यूजेज राइट. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी. आई एम नॉट हंग्री. आई हैव द एनर्जी फ्रॉम दैट स्मूदी. Because it had a lot of caffeine probably. I'm not at all hungry so I'm going to have water as post-workout meal. I think the reason why he wakes up this early is probably because is time pe zyada log nahi hote and you can get everything done very quickly and very efficiently and you get to deal with a lot less people. Aur aapka jo concentration hota hai wo bhi shayad zyada hoga us time par. Kyunki pata hai I think log jo hote hai wo distraction ki tarah ek एक्ट करते हैं. Playing catch catch cuz Ojaswini has no idea how to play golf. अगर आपको पता नहीं है कि क्रायोथेरेपी क्या होती है तो इट इज अ काइंड ऑफ रिकवरी थेरेपी. ठीक है. जिसके अंदर एक स्किन के लिए काफी अच्छी होती है पूरी बॉडी के लिए अच्छी होती है. एक चेंबर टाइप होता है गैस चेंबर होता है ना जैसे हिटलर के टाइम पे उस टाइप का होता है. और उसके अंदर एक बंदा खड़ा हो जाता है और उसका पूरा नेक चेहरे के अलावा पूरा बॉडी कवर्ड होता है और उसके अंदर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टेम्परेचर इज पर काफी मतलब नेगेटिव चला जाता है टेम्परेचर और उससे काफी टॉक्सिन वगैरह रिलीज होते हैं बॉडी के. ऐसा माना जाता है काफी अच्छा होता है और ऐसा है. तो बहुत सारे जो रिच लोग हैं वो ये करते हैं. मॉडल्स वगैरह जो होती है सुपर मॉडल्स दे डू इट. Now, here we do not have any such facilities. जैसे हमारे यहाँ पे गोल्फ नहीं थी. होगी भी I do not. तो इसीलिए I am obviously ऐसा तो नहीं. I am not going to make excuses. So what I am going to do is I am going to मैं आपको दिखा देती हूँ. My skin looks a little better. It feels a little better and cool. Snack number 2. Glucon-D aur kela. During that family time, I thought ki main apne parents se to daily hi milti hu aur main apne nana ji se bahut time se nahi mili hu. To isliye maine decide kiya ki is dauran I would meet my grandpa. And then I did some miscellaneous tasks that I had to do and I cleaned my room jo pata nahi kaise hamesha disorganized hi rehta hai. I also had to point out this one thing which was very important. मैंने इस पूरे दिन में I had very small meals but they were scattered and I found कि मेरे अंदर energy काफ़ी ज़्यादा है और I also ate less as compared to what I usually do जब मैं 3 बार ही खाती हूँ. So that was something which I learned and it might help you too. My day is so long today. It is not long, it seems to be longer today.
as compared to like most of my days. I need some sleep. 30 minutes. एक घंटे की स्लीप चाहिए मुझे. और कोई बात नहीं. He's like my little kid. So I'm going to pick him up. No, beti, bahar niklo. Kisko na? Beti, bahar aajo mummy ke paas. Neena wini unhe beta. Ye bachcho ko subah school to bhejenge. To aisa kare tum school chale jao, okay? Main tumhe 5 baje, kitne baje? 2:30 baje uthane aaungi. Uthane? Tumhe 2:30 baje main school se lene aaungi, okay? Baith ja, baith ja. He's very injured. And he needs rest. कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो आज. है बेटा, कितना भोलू है बेटा तू. चलो जाओ स्कूल जाओ, तुम्हें लेने भी तो जाना है, फिर जल्दी जाओ, नाटक मत करो, फटाफट स्कूल जाओ. स्कूल ऑफ लाइफ. आई एम पिकिंग हिम अप. कैसा गया दिन? अच्छा नहीं गया? कोई बात नहीं, होता रहता. He's a very good boy. आज का रिजल्ट आया था. He secured A plus. Very good. आज आपको मिलेगी treat. जब मैं आपको वो रूटीन बता रही थी तब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो वर्कआउट के बाद शावर लेते हैं. मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब मैंने शाम को नहाया है तब तब मैं बीमार पड़ी हूँ. बस कोई बात नहीं, आई वुड डू इट फॉर यू. मेरा दिन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया एंड इट एडेड लाइक 5 hours टू माई डे. जब मैं लेट उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 10 बजे उठी तो मुझे ऐसा फीलिंग आई कि हाँ अब तो आधा दिन बीत ही गया है तो अब क्या फ़ायदा कुछ करने का. वो सबकॉन्शियसली वो फीलिंग आती है. आई थॉट दैट इट वुड बी वेरी एग्जॉस्टिंग बट आई लव दिस यू नो रूटीन. अगर ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो तो ये बहुत ही अच्छा हो. कॉज आई वुड नॉट फॉलो इट एवरी सिंगल डे. इट माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट फॉर मी इट इज. सी देर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ प्रायोरिटीज एंड डिफरेंट बॉडी क्लॉक्स. मेरे लिए शायद सही से काम करा क्योंकि मेरी आदत है. मैं 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं टाइम पर सो रही हूँ लेकिन मैं उठती हूँ अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी नींद 2:30 बजे खुल जाती है. 3:30, 4 बजे. बट चलो अच्छा ही हुआ ना. This was shot on the next day, cause Ojasweenie slept after her class. So bye bye everyone and don't forget to subscribe.